रोटी का बहुत शौक नहीं था। ये नाश्ता हो रहा है हमारा, ये मैंने तो अपने लिए पुलाव मंगवाया, ये अपने लिए भी पुलाव लेकर आए हैं, और ये अब्दुल्ला कह रहा है बस जल्दी से ब्लॉग बनाओ मम्मा, जल्दी से ब्लॉग बनाओ। इसको ना भूख लग रही थी तो ये स्टार्ट नहीं कर रहा था। संडे के दिन जो ना ये अब्दुल्ला जो ना हलवा पूरी खाते है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब फ्रेंड्स होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी मैंने अपने बालों में सुबह सुबह एलोवेरा जेल लगाया है, और जब भी मेरे बालों में देखिए क्या क्या लगा है, इसके जो पल्प होता है ना वो मैंने पेस्ट बना के इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स किया और वाइटामिन ए के 2 कैप्सूल मिक्स किया और फिर मैंने बालों में लगाए। तो अभी देखें बिस्तर वगैरह सब ऐसे ही बिखरे हुए हैं कमरे में, बिस्तर अभी उठाए नहीं है। नाश्ता तो हम लोगों ने कर लिया है, बिस्तर उठाने भी बाकी हैं, बाकी एक एक किचन का काम थोड़ा बहुत। दोपहर का खाना नहीं बनेगा, रोटियां बनाऊंगी, आलू की कतियां हैंगी और थोड़े से बर्तन हैं वो धोलूँगा, और अभी अपना नहाने के लिए पानी रख दूँ ज़रा मैं। तुम तो ये मुझे तो रास्ता ही नहीं पता। अम्मा उठा ले तुम तो मुझे पटा नहीं रहे हो, जाऊंगी ना मैं गिर जाएगी तुम। क्या बोलो ना क्या कैसे वही पापा करो वैसे कुछ नहीं करते दम दम पापा करो ये जाना कहाँ है? मार्केट। कौन सी मार्केट? बट आने में वैसे ना मार है ना भाई, मैं बट मार्केट में नहीं जा रही भाई, बहुत सारे आदमी होते हैं मुझे अच्छा ही लगता है। सही से पहने बुरका तो पहनके चलो नहीं ना बुरका ये मास्क लगाने मास्क भी लगा दे भाई चल अच्छा लाओगे क्या तू चला कुछ खरीदेगा नहीं बता रही हूँ नहीं कुछ खरीदेगा नहीं खरीदूंगा मैं। हाँ छोड़ दोनों लड़ाई हो रही दोनों की। लगा नहाया हुआ लुक, ये गाउन पहना हुआ है, बड़ा मुंह दिखाते जा थोड़ा सा। ओए होए ये नहाया हुआ लुक अब्दुल्ला का आज में है ना। फिर फ्रेंड्स आज अब्दुल्ला मुझे जबरदस्ती ना बर्ड मार्केट में लेकर आया, कह रहे मम्मा वहाँ चले वहाँ चले। तो अभी हम बर्ड मार्केट में घूम रहे हैं, आज देखो कौन सा परिंदा ये लेकर जाता है। और ये ग्रे ही लग रहे हैं मुझे।
अरे सुप्पी रास्ते में बकरा मंडी पड़ी है तो हमने सोचा चलो बकरा मंडी भी थोड़ी सी घूमते हैं। अभी देखते हैं। तो अभी हालांकि बकरी दाने में 5 महीने बाकी है, लेकिन बकरों की जो प्राइस है ना वो अभी से इतनी हाई चल रही है, 70-60 हज़ार इतना मतलब चल रहा है अभी, और आगे आने वाले वक्त में तो फिर पता नहीं क्या होगा। आओ हानिया, हम बकरी का बच्चा ढूंढ रहे हैं, कोई अब्दुल्ला के लिए कोई छोटा सा या दुम्बे का बच्चा या बकरी का बच्चा कोई मिल जाएगा ना तो हम वो ले लेंगे। छोटे छोटे से बकरी के बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं। सब देख
गोद में ले लो हानी इसको। चले घर अभी देना है सुरात अभी नहीं देना शाम 9 बजे तक 9 बजे तक देना भाई एक पाव दूध देना भाई पहले मैं आता दो पहले भी हॉस्पिटल में बुलाओ जैसी आदत दोगे इसके रोटी और जो हल्की हल्की गिजा चाय की पत्ती है जैसे चाय की पत्ती की आदत फ्रूट की छिलकी की आदत दो फ्रूट भी खिला सकते हैं सब्जी की फ्रूट तक खिला देंगे उसको आदत नहीं है उसको आदत देनी पड़ी जी फ्रेंड्स तो अभी अभी हम आए हैं थोड़ी देर हो गई हमें आए हुए और ये अब्दुल्ला ने और मैंने हम दोनों ने मिलके हमने लिया ये दुम्बे का बच्चा जी जी तो इतना प्यारा लग रहा था इतना छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा तो मेरा तो दिल आ गया इसके ऊपर ना तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं और ना इसको पालेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसको सेहत और तंदुरुस्ती दे जिंदगी दे और हम इसको काटेंगे नहीं अब्दुल्ला कह रहे हम इसको काटेंगे हम इसको पालेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला सही रहे बस बीमार बीमार ना पड़े और सेहत और तंदुरुस्ती दे अल्लाह ताला जिंदगी दे इसको बड़ा हो जाए सही सलामत क्योंकि सर्दी भी है ना ठंड भी है तो इसीलिए जो है ना मैंने इसको यहाँ पे कमरे में रखा हुआ है ताकि ना इसको ठंड ना लगे ये बहुत छोटा है और इसकी एज कोई 1.5 महीने की और ना ये मतलब फीट पर है मदर फीट पे था तो अभी समझ ले इसको जो ना हम ये मदर फीट पर है तो इसको हम इसलिए अभी ना इसको फीडर मतलब पिलाएंगे फीडर से पिला रहे हैं दूध अभी आया था जब थोड़ी देर के बाद हमने इसको फीडर से दूध पिलाया था और इसने अपनी ये जगह खुद ही चूज करी है ये जैसे रूम में आया तो यहाँ पर साइड में आके खुद ही आके यहाँ पर बैठ गया दरवाजे के पीछे तो दरवाजे के पीछे ही आकर बैठ गया तो अभी से ही अपनी खुद ही जगह चूज कर ली तो फिर मैंने इसको यहाँ से हिलाया नहीं यहाँ पर मैंने इसके 2-3 चीजें यहाँ मतलब नीचे बिछा दी कि अगर ये मतलब कुछ करे अगर पिशी वगैरह या कुछ भी करे तो जैसे इसमें ही मतलब रहेगा कोई मसला नहीं है वैसे हम लोग सफाई वगैरह का ख्याल रखेंगे और सभी रखेंगे ख्याल मैं भी रखूंगी हानिया भी रखेगी और अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं भी ख्याल रखूंगा और ये भी रखेंगे ये तो है ही पेट लवर ना तो इनको तो वैसे बहुत शौक है जानवर पालने का मानिया को डर लगता है जानवर से ना और वैसे होने चाहिए घर में जानवर अच्छे लगते हैं और ये कि इंसान के अंदर जानवर पालने से ना इंसान के नफ्सियात पे बहुत अच्छा असर पड़ता है तो इसलिए जानवर पालने चाहिए इंसान को ना मुझे भी अच्छे लगते हैं इनको भी अच्छे लगते हैं और अब्दुल्ला भी मतलब जानवर पालने के लिए ना मतलब करता रहता है कि ये ले आओ वो ले आओ एक बार ये फेंच लेकर आ गया फिर फेंच हमने सेल आउट की फिर ये कबूतर लेकर आ गया कबूतर हमने सेल आउट किए तब फिर अब्दुल्ला ये दुम्बा लेकर आ गया तो अभी ये 3-4 महीने से यही चल रहा है कि एक जानवर जाता है और एक जानवर आता है बहरहाल ये जाएगा नहीं अल्लाह ताला इसको बड़ा कर दे इसी घर में मम्मा मम्मा की बेटी हमारा इरादा नहीं था बिल्कुल भी मेरा तो बिल्कुल इरादा नहीं था कुछ लेने का मैं तो बस ऐसे अब्दुल्ला कह रहा था मुझसे जाने का कि मम्मा वहां चलते हैं बर्ड मार्केट तो इन्होंने कहा चलो ऐसे इसको घुमा कर लेकर आते हैं तो हम लोग ऐसे चिंकी में बैठे यहीं से रोड से और हम लोग चले गए फिर इन्होंने कहा चलो चलते पैदल चलते हम लोग वहां से पैदल ही निकल आए पैदल निकले तो वो रास्ते में जो है ना ये बकरा मंडी पड़ गई और वहां पर ना जैसे हम लोग मतलब वहां इंटर हुए ना उस जगह में तो एक लेडीज है ना वो बकरे के बच्चे छोटे छोटे से थे वो तो बहुत ही ज्यादा छोटे थे जो उन्होंने लिए वो ले रही थी तो मुझे बड़े अच्छे लगे तो और मैंने उनसे कहा भी मैंने कहा कि आप इतनी छोटी छोटे ले रही हैं आपको तो इनकी बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी बहुत छोटे हैं ये तो कह रही थी हाँ केयर तो करनी पड़ेगी बहरहाल ये फिर उन्होंने लिए तो मेरा दिल चाह के मैं भी लूँ तो उनको देखकर वो उनके 2 छोटे छोटे से बच्चे थे ना तो वो छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे से बकरे के बच्चे उन्होंने लिए
बहुत प्यारे थे वो भी। और फिर हमने ढूंढना शुरू कर दिया, मेरे सुने बकरे का बच्चा लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा चाह रहे थे, ये चाह रहे थे चलो अभी इतना बड़ा ले लेता हूँ, फिर बकरीद पर लेने की जरूरत ही पड़ेगी और ना ले लेते हैं तो फिर। लेकिन अब्दुल्ला और मैं इस बात पे वजिद थे कि नहीं, छोटा लेंगे उसको पालेंगे। और तो अभी ये कि ये आ गया है, अल्लाह ताला इसको बस बड़ा कर दे जल्दी, सर्दियां गुजर जाए बस ये, फिर तो गर्मियों में तो कोई इतना मसला नहीं होता मतलब छोटे जानवरों के साथ, इंशाल्लाह पल जाएगा ये भी। आते ही तो सबसे पहले मैंने चाय बनाई, चाय पी, फिर उसके बाद जो है ना मैंने खाना बनाने से लग गई, मैंने चिकन का जल्दी जल्दी क्योंकि फिर देर तो वहां से आने में हो गई थी, तो बस फिर जल्दी जल्दी में फिर मैंने जल्दी से, और तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी, मैंने चिकन का पुलाव बना लिया। तो बस चिकन का पुलाव रेडी है, डन है, तो मैं चिकन का पुलाव, अब खाना वाना खा लेते हैं हम लोग, क्योंकि काफी टाइम हो गया, 10 बज गए इस टाइम जी फ्रेंड्स, तो काफी टाइम हो गया और आज का व्लॉग हम ये भी करते हैं एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।